किसमें हो गया था बताइए। ग्लोबलाइजेशन था, तीनों बता चुके थे, बताइए तो निधि। हो गया, तीनों हो गया, लास्ट टॉपिक बचा है। बताइए तो निधि क्या था ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन द्वारा जो भी ट्रेडिंग था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो होना शुरू हो गया था। इंपोर्ट को क्या करना, लिबराइज करना और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, यही ग्लोबलाइजेशन। तो ये कुछ चीज में काफी है। अच्छा, उसको बताने से पहले क्वेश्चन आंसर कर लो क्या। चलिए संध्या, यस सर, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो Which of the following does not characteristic business environment? Relativity. चलिए फेल है। साइमा, Employees. Employees. Uncertain भी है, relative भी है, complex भी है, लेकिन ये नहीं। Employees नहीं है। चलिए साइमा। Yes sir. Number two. All of them. All of them. चलिए ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री सैली। यस सर। क्वेश्चन नंबर थ्री का जवाब बताइए। एक मिनट पढ़ने के लिए, रुको यार। सर डी होगा। डी डी होगा। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होगा। अच्छा हम बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। आलोक, आलोक जी है क्या? रिशु, नजम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा। चलिए चलिए आफिया। यस सर। क्या होगा आंसर? बाबूजी धीरे चलना। कौन अभी जवाब देंगे इसका? सर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी और हिमालय पर्वत पर भाग। कंपोजिशन ऑफ फैमिली, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इकोनॉमिक काउज होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा लीगल वाला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फैमिली कंट्री होगा ये वाला जो लीगल एनवायरनमेंट में आता है वो, और कंपोजिशन ऑफ फैमिली होगा सोशल। जैसी फैमिली की कंपोजिशन होगी वैसा उसका बढ़ेगा दिमाग। हाँ वही बोले थे, लेकिन बाद में बोल दी भी देते कि हमको नहीं पता, आप स्टेबल नहीं थे। आपने क्या होता है कि जय माता दी एक, जय माता दी दो, वही ऐसा नहीं चले। लेकिन हम सर बात में कुछ बोले नहीं थे, हमको डी पे ही थे, आप बोल कंफ्यूज कर रहे थे हमको, बोल रहे थे नहीं। हम कंफ्यूज कर रहे थे तो आपको खड़ा रहना चाहिए, जब आपको आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए।
शाम को आप सही होंगे कुछ में, ऐसा थोड़ी है कि हम हमेशा सही होंगे, ये लिखा हुआ तो नहीं है क्या? सर एक कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अरे कंपोजिशन ऑफ फैमिली, जैसा मान के लिए फैमिली का साइज अगर छोटा है तो उसका कैसा डिमांड होगा? कम डिमांड होगा। असम फैमिली का साइज बड़ा है तो, फैमिली अगर इकोनॉमिकली कमजोर है तो उसका डिमांड कम, इकोनॉमिकली हो स्ट्रांग है तो उसका डिमांड ज्यादा, साधारण बात। सुन माया, सोशल एनवायरमेंट है ना, यानी जैसा परिवार वैसा डिमांड, बड़ा परिवार तो बड़ा डिमांड, छोटा परिवार तो छोटा डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए तो, और कौन कौन है लाइन पे, इसको लेंगे तो ये नहीं होगा, बी होगा सर। क्या होगा? बी, रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। लिबरलाइजेशन मींस इंटीग्रेशन अमंग इकोनॉमीज, रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, पॉलिसी ऑफ प्लांट डिसइन्वेस्टमेंट, नन ऑफ देम। बी, बी होगा, रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन, लिबरल का मतलब। Which of the following does not explain the impact of government policy changes on business and industry? Which of the following does not explain the impact of government policy change on business and industry? Change in agriculture price, market orientation, increasing competition, more. Sir, what will happen? Sir, C will happen. Huh? A will happen. A will happen, sir. Customers. Which of the following does not explain the impact of government policy change on business and industry? यानी कौन नहीं बता रहा है, सो बता रहे गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आने के चलते बिजनेस और इंडस्ट्री में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये कौन सा पॉइंट? मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइस, मार्केट ओरिएंटेशन। सर ए होगा। ए होगा। सर सी होगा। सी। सर ए होगा। सी का तो खैर कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर प्राइस चेंज होगा तो उसका असर बिजनेस इंडस्ट्री में पड़ना ही पड़ना, ये तय, ये तो फिक्स होगा। सर तो पॉलिसी चेंज करेगा प्राइस। मार्केट, मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट पे भी तो पड़ेगा ना। मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट का ऑब्जेक्टिव, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जब कोई रूल रेगुलेशन आएगा तब तो मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं समझे? यस सर। देखिए मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, ये भी इम्पैक्ट करेगा, कोई ना कोई ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट का आएगा जिससे या तो कस्टमर बढ़ जाएंगे या तो कस्टमर घट जाएंगे। बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है वो हम लोग देख चुके हैं, जैसे शराब वाला वही ले लीजिए, शराब का घटा तो दूध दूध वाला प्रोडक्ट का क्या हो गया, बढ़ गया, तो मोर डिमांडिंग कस्टमर्स आ गए। इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन क्या इंक्रीज होगा? अगर मान के चलिए सरकार का कोई रूल रेगुलेशन आता है तो वो स्पेसिफिक फोर्स है कि जनरल फोर्स, इस पे डिपेंड करता है कैसा फोर्स है वो। अगर स्पेसिफिक फोर्स होगा तो, और यहाँ बता रहा है किसके बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में, यानी कहीं ना कहीं या तो लीगल होगा या पॉलिटिकल उसका अप्रोच होगा। गवर्नमेंट का पॉलिसी का मतलब कैसा अप्रोच? पॉलिटिकल अप्रोच, और पॉलिटिकल अप्रोच क्या किसी एक यूनिट को हार्म करेगा, वो पूरे इंडस्ट्री को हार्म करेगा, तो स्पेसिफिक फोर्स, जनरल फोर्स, जनरल फोर्स, क्लियर हुआ? तो जनरल फोर्स है, इसलिए यहाँ कंपटीशन क्या होगा, इंक्रीज होगा ही, सबके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा जो उस स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में, क्या जैसे कि पॉलिथीन वाला में रोक लगाने पर हुआ, तो जितने भी इंडस्ट्री जो पॉलिथीन रिलेटेड में थे वो सबके बीच क्या हो गया, सबके बीच कंपटीशन बढ़ गया, और सब उसका क्या अल्टरनेटिव खोजने लगा, तो लास्ट में बचा क्या, मार्केट। शॉर्ट आंसर वाले में कौन कौन जवाब देंगे? अच्छा इसको कर लो, सर ये मार्केट ओरिएंटेशन, क्या मार्केट ओरिएंटेशन थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब मार्केट का ऑब्जेक्टिव, मार्केट का ऑब्जेक्टिव है वो गवर्नमेंट के पॉलिसी से क्या होता है, इफेक्ट जरूर होता है लेकिन डिसाइड नहीं होता, मार्केट का ओरिएंटेशन खुद से डिसाइड होता है, मार्केट में कौन चीजें बिकेंगी ये मार्केट खुद डिसाइड करता है या कस्टमर डिसाइड करता है, तो गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी वगैरह आएगा वो तो बाद में उसको इम्पैक्ट करेगा ना। मार्केट में किसी चीज को बेचने की जरूरत क्या होती है, एनवायरमेंटल स्टडी के द्वारा, वो पहले से गवर्नमेंट के द्वारा अफेक्टेड थोड़ी होता है, हम एनवायरमेंट का स्टडी करते हैं, जो हमको अपॉर्चुनिटी लगता है उसका यूज करना शुरू कर देते हैं, तो बाद में जब गवर्नमेंट को लगता है कि इस फील्ड में भी आ सकते हैं तो उसका क्या करते हैं, डिसीजन देती है। क्लियर हुआ? चल
लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर आप लोग कर लिए क्या? yes. एक बार हम इसको क्या करते हैं, चलिए किसको, हाँ ये टॉपिक खत्म नहीं करते, चलिए हम लोग देख रहे हैं अभी टॉपिक इंपैक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अभी यही टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे अभी, देखिए इसलिए छोड़े हुए थे, अब सब लोग गौर से सुन रहे थे, अब सब लोगों का दिमाग थोड़ा सा क्या होगा, क्लियर होगा। अब देखिए The policy of liberalization, privatization and globalization of the government has made a significant impact on the working of enterprises in business and industry. The Indian corporate sector has come face to face with several challenges due to government policy changes. These changes can be explained as, first, increasing competition. As a result of change in the rules of industrial licensing and entry of foreign firms, competition for Indian firms has increased, especially in service industries like telecommunication, airlines, banking, insurance, etc., which are in the public sector. कहता है गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज होने से कंपटीशन में क्या हो गया, बढ़ गया। अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए थे कि गवर्नमेंट की जो कोई पॉलिसी होगी वो कैसी होगी, जनरल होगी, और जनरल होगी तो सारा कंपटीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब सरकार की ये पॉलिसी आई एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, तो किस किस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ गया, सर्विस इंडस्ट्री में, यानी ऐसी इंडस्ट्री जो सर्विसेज देती है जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, यानी टेलीकॉम कंपनियां, ये पार्टनरशिप में आई, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ा, या एयरलाइंस, पहले खाली एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस था, उसके बाद देखिए प्राइवेट सेक्टर का कितना बढ़ा है, जेट एयरवेज, इतिहाद, रॉयल ब्रिटिश, बहुत सारा है, या इंडिगो, स्पाइस जेट, क्या ये सारा आया। इंश्योरेंस सेक्टर में आया, अलग अलग प्राइवेट कंपनियां इंश्योरेंस के सेक्टर में उतरी है, क्या। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का बैंक आया, फॉरेन बैंक आया, तो कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया। पहले प्राइवेट सेक्टर में ही बैंकिंग था, लेकिन जब पब्लिक सेक्टर में था, जब प्राइवेट सेक्टर को बेड़ा किया, तो बैंक सबको कंपटीशन क्या करना, बढ़ा देना पड़ा। तो पहला क्लियर हुआ, इंक्रीजिंग कंपटीशन, ये सब लोगों को क्लियर हुआ, ये सारे लोगों को क्लियर हुआ। गवर्नमेंट के पॉलिसी में चेंज होने से क्या होता है, कंपटीशन में इंक्रीजमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट एक कैसा फोर्स है, जनरल फोर्स है, और उसके किसी पॉलिसी में पूरे इंडस्ट्री पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कोई दिक्कत समझ में आया, सब लोगों को समझ में आया, चलिए। दूसरा टॉपिक भी था मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, ये भी ऑप्शन में था, हम लोग देखे थे। कहता कस्टमर्स टूडे हैव बिकम मोर डिमांडिंग बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। कस्टमर्स आजकल मोर डिमांडिंग हो गए, क्यों, क्योंकि वे वेल इन्फॉर्म्ड हो गए, यानी उनको किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जितनी जानकारी चाहिए उससे ज्यादा जानकारी मिल रही, क्या हो रही है, एकदम टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लीजिए, मोटर व्हीकल्स ले लीजिए, कोई सर्विस सेक्टर का बात ले लीजिए, इंश्योरेंस का बात ले लीजिए, कोई भी आप गुड्स या सर्विस, आप जिस गुड्स या सर्विसेज को खरीदने वाले हैं या जिस सर्विस को आप परचेज करने वाले हैं उसके बारे में पूरा फुल इंफॉर्मेशन आपको क्या होता है, मिल जाता है। तो जब आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो भी क्या होता है, चेंज होते रहता है, तो कस्टमर और करते रहता है, यानी कस्टमर कभी आप बस नहीं कहता, कस्टमर हमेशा क्या कहेगा, और क्लियर। अतः इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट गिव्स द कस्टमर्स वाइडर चॉइस इन परचेजिंग बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जैसे कोई मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक दुकान में खरीद के आ गए, कम से कम पांच दुकान बहुवाते हैं कि कौन किस रेट में दे रहा है, किस रेट के साथ क्या फैसिलिटी दे रहा है। बहुत ऐसा मोबाइल दुकान वाला जो मोबाइल फोन के साथ ना उसका फेसिया भी देता फ्री में, बहुत ऐसा मोबाइल दुकान वाला जो सिमो कार्ड फ्री में दे देता, बहुत ऐसा है जो एक महीना का रिचार्ज भी देता, बहुत ऐसा जो खाली मोबाइल देता। तो क्या कस्टमर क्या मोर डिमांडिंग, कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया इसका मतलब ज्यादा फर्म है, और ज्यादा फर्म है इसका मतलब कस्टमर को भी क्या चाहिए, ज्यादा। कोई दिक्कत, ये समझ में कोई दिक्कत हुआ, चलिए। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कहता है इंक्रीज्ड कंपटीशन फोर्सेस द फर्म टू डेवलप न्यू वे टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजीज मेक इट पॉसिबल टू इंप्रूव मशीन्स प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, द रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट्स टफ चैलेंजेस बिफोर स्मॉलर फर्म्स, यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो फर्म सबको क्या मिल रहा है, टफ कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फर्म है जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज करके मार्केट में अपने अपने सर्वाइवल को क्या कर रही है और स्ट्रॉन्ग बना रही है, क्या। तो इसकी वजह से मार्केट में क्या कंपटीशन बढ़ रहा है,
यानी रैपिड चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी में, उससे भी मार्केट में कंपटीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेसेसिटी फॉर चेंज कहता इन रेगुलेटेड एनवायरनमेंट ऑफ प्री 1991 इरा द फर्म्स कुड हैव रिलेटिवली स्टेबल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज। आफ्टर 1991 द मार्केट फोर्सेज हैज बिकम टू वेलेंट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एंटरप्राइजेज हैव टू कंटीन्यूअसली मॉडिफाई देयर ऑपरेशन। कहता 1991 के बाद कुछ ऐसी जरूरतें हो गई कि कंपनियों को मॉडिफाई करना क्या हो गया, आवश्यक हो गया, और किसी भी हाल में उनको क्या था चेंज करना ही पड़ेगा। ये क्या हो गया, समय का नीड हो गया चेंज करना। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स कहता इंडियन एंटरप्राइजेज हैव सफर्ड फॉर लॉन्ग विद इनएडिक्वेट ट्रेंड पर्सनल। यानी इंडियन कंपनीज जो थी वो बहुत लंबे समय तक ट्रेंड पर्सनल यानी जो स्किल्ड लोग थे उसकी कमी से क्या हो रही थी, जूझ रहे थे। द न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर पीपल विथ हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट। और जो नया मार्केट आया उसमें जो एम्प्लॉय चाहिए था वो क्या था, हायर कॉम्पिटेंस पे और ग्रेटर कमिटमेंट पे, वो क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय होने चाहिए थे। हैज द नीड फॉर द डेवलपिंग न्यू ह्यूमन रिसोर्स, और इस वजह से भी ह्यूमन रिसोर्स को क्या हुआ, डेवलप होना पड़ा। तब देखिए बहुत सारी योजनाएं निकली है, जैसे कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कौशल विकास योजना है, उसी के आधार पर मेक इन इंडिया निकला है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में इंडिया में बनेगा तो उसके लिए स्किल्ड वर्क फोर्स की तलाश होगी ना, इसलिए हमने क्या किया, आईटीआई में सीट बढ़ाया, पॉलिटेक्निक में सीट बढ़ाया, पैरामेडिकल में सीट बढ़ाया। ये सब क्या था, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट था। जैसे जैसे हॉस्पिटल खुलेंगे तो उसमें ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ क्या करेंगे, काम करेंगे, तो उसके लिए क्या हुआ, जो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का टूल्स टेक्निक था वो क्या हुआ, बढ़ा। अभी मुख्यमंत्री कहा है ना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके तहत कंप्यूटर का ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता, तो वो क्या है, यही ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना, स्किल करना था, सिंपल बात। नेक्स्ट मार्केट ओरिएंटेशन। क्लियर फर्म यूज टू प्रोड्यूस फर्स्ट, आपको पहले बताए थे कि पहले की कंपनियां क्या करती थी, प्रोडक्शन करती थी फर्स्ट, उसको क्या करते थे, सेल करती थी, क्या करते थे, एंड गो टू द मार्केट फॉर सेल लेटर। इन अदर वर्ड दे हैड प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट ऑपरेशन। यानी पहले की कंपनियां जिनका जो ओरिएंटेशन होता था वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता था, यानी पहले प्रोडक्शन कर लेते थे, मार्केट में जाके क्या करते थे, सेल करते थे, लेकिन अब वो ऐसी बात नहीं है। इन अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड देयर इज अ शिफ्ट टू मार्केट ओरिएंटेशन इन एज मच एज द फर्म्स हैव टू स्टडी एंड एनालाइज द मार्केट फर्स्ट एंड प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंगली। यानी पहले क्या कहता, पहले मार्केट को एनालाइज करिए, उसके बाद गुड्स को क्या करिए, फुलफिल करिए। चलिए लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स बजटरी सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर आउटले हैज डिक्लाइंड ओवर द इयर्स। द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैव रियलाइज्ड दैट इन ऑर्डर टू सर्वाइविंग एंड ग्रोथ दे विल हैव टू बी मोर एफिशिएंट एंड जनरेट देयर ऑन रिसोर्स फॉर द। 1991 के बाद पब्लिक सेक्टर सबको जो मिलने वाला बजट था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और ज्यादा ध्यान दिया गया कि उनके और उनके खुद के एफिशिएंट, यानी ऐसी टेक्निक्स अपनाई गई कि वो अपना फंड का क्या करें, अरेंजमेंट खुद कर सके। तो देखिए आज आपका रेलवे है, बैंक है, और क्या है, इंश्योरेंस वगैरह है, इस समय खुद LIC सब क्या कर रही है, खुद जनरेट कर रही है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे, क्या क्वेश्चन नंबर कितना था, 5। चलिए अब बताइए इसका क्या सही आंसर होगा, सी। अच्छा सी, कोई आदमी बोले थे सी आंसर, हमको याद, कौन बोले थे सी, साइमन कुणाल, अरे कुणाल या साइमन में से कोई आदमी बोले थे। अब देखिए थोड़ा समझ ही जाइए, कोई आदमी पूछे तो क्लियर हो जाइए। ये तो समझा दिए, इसमें कोई दिक्कत, ये भी समझा दिए, ये भी समझ गए, अब इसको थोड़ा सा समझ जाइए, क्वेश्चन पहले पढ़िए। अच्छा जो CBSE से एग्जाम देंगे वो थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, बिहार बोर्ड मानने के लिए कोई दिक्कत नहीं, उनको क्वेश्चन ऐसे ही देगा, लेकिन CBSE में थोड़ा सा पटांग है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। पता इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी का इंडस्ट्री और बिजनेस पे इम्पैक्ट को नहीं बता रहा है। तो हम लोग क्या को टॉपिक देखे, पांचवे को टॉपिक देखे, उस पांचवे टॉपिक में ये चल। क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट आपका खत्म हुआ, और सर से सर बात हुई है क्या इकोनॉमिक्स या IPS के लिए, सर से बात नहीं बात हुई है, तो आप लोग खुद से बात कर ले तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि या तो हम लोग, अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो आपका बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 शुरू करें,
नहीं तो बिजनेस स्टडीज का जो सेकंड पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो शुरू करें, नहीं तो इकोनॉमिक्स या ईपीएस की शुरू। तो जैसा आप लोगों का और सर का जो डिसीजन होगा, क्या आलोक बोल रहा है, जैसा आप लोगों का डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए। तो इस तीनों टॉपिक, इस तीनों चैप्टर में से कोई भी टॉपिक अगर हो तो आप एट ए टाइम पूछ सकते हैं तीनों को। हमारे पास अभी 10-15 मिनट है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, इसमें से तो हम लोग अगर कुछ पूछना है आपको तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं किन्हीं को भी, किन्हीं को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा एट रैंडम क्वेश्चन करते हैं कुछ, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से। क्या आज 10-15 मिनट हमारे पास है तो यही कर लेते हैं, फिर कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्या सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? हेलो, यस सर। साइमा, सैली, संध्या, मेरे सब लोग तैयार हैं? हाँ। दो चार पांच दस रैपिड क्वेश्चन हो जाए क्या? अभी हमारे पास अच्छा खासा समय है ना, रिवीजन रिवीजन भी आपका हो जाएगा। चल कहा देखे सर, इसी एक केस स्टडी में पढ़े थे सर, पूनम गांधी का बुक था, टीआर जैन का, पूनम गांधी का बुक सर, वही नहीं बोला बोले थे सर, कौन सर, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, इसका क्या मतलब होता है? अरे जी, आप बोल रहे हैं उसी में उसका आंसर छुपा हुआ, जीरो, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब इसका कोई एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल जैसे दे देते हैं आपको, मान के चलिए ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग का बंदा चुन रहे हैं, किसका बंदा चुन रहा है? मार्केटिंग के लिए ऐसे सेल्समैन को चुना जा रहा है, सेल्समैन हमको चाहिए मार्केटिंग में, तो उसके लिए जो हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखेंगे, अगर मान चलिए वो रखेंगे तो वो किस उसमें रिलेटेड होगा, या उसको छोड़िए, हम कोई कंप्यूटर ऑपरेटर चाहते हैं रखना अपने इंस्टीट्यूट में, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर रखना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रख सकते हैं? कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्या? जो ऑफिशियल वर्क होता है एक्सेल शीट, माइक्रोसॉफ्ट टैली वगैरह, उसका क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए ना, अगर उसके पास इस तरह का नॉलेज है तो वो काम करेगा, तो उसमें कोई इफेक्ट होगा? जब उसमें, इसका मतलब है जिस काम के लिए हम चुन रहे हैं उसी काम के लिए वो आदमी है, तो क्या वो कभी उसका इफेक्ट खराब होगा? कभी इफेक्ट खराब नहीं, क्लियर नहीं हुआ? कौन पूछ रहे थे? अरे लाइन का मतलब है जीरो इफेक्ट और सॉरी जीरो डिफिक्ट और जीरो इफेक्ट, ये है ना। डिफेक्ट का मतलब होता है कोई अवगुण, कोई दोष, यानी किसी तरह का, माने समझिए हार्मफुल एक्टिविटीज कह सकते हैं, यानी गलत के सेंस में, निगेटिव के सेंस में। तो अगर किसी अनस्किल्ड के सेंस में उसको कहिए, यानी कॉर्पोरेट भाषा में लेंगे तो वो क्या होगा? अनस्किल्ड। अनस्किल्ड लोगों को लेंगे स्किल्ड काम करने के लिए तो नुकसान है ही, लेकिन स्किल्ड लोगों को स्किल्ड काम के लिए लेंगे तो, अरे जैसे सांप पकड़ना हुआ ना भाई, आप जाकर सांप पकड़िए और किसी सपेरा को बुलाएंगे, आप जाकर सांप पकड़िएगा तो 100% संभावना है कट एंड बाइट का, है ना? नहीं है? और अगर सपेरा आएगा तो उसका सीधे मुंडिये पकड़िए, सीधे उसका देखिएगा गलिये दबाता, लेकिन आपको हिम्मत है आप उसका गला दबा दीजिएगा? तो सपेरा है, स्किल्ड है, वो है उसी काम के लिए आया है, तो जिसमें कोई इफेक्ट होने का जीरो इफेक्ट, कोई डरने की कोई संभावना नहीं, लेकिन हम करने जाएंगे तो डर डर के हालत खराब हो जाएगी। अब समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, अरे जैसे बच्चा बच्चा से भोज में रसगुल्ला बंटवा दीजिए, क्या होगा? क्या होगा ऋषि? किसी 10 साल के बच्चे से रसगुल्ला बंटवा दे भोज में तो क्या होगा?
क्या होगा, किसी को ज्यादा देगा किसी को कम देगा, कोई हल्ला करेगा, कोई गाली देगा, कोई छीन लेगा, कोई जबरदस्ती ले लेगा ना। वही अगर 25-30 साल के किसी युवा को दे तो सही से बात है, जीरो इफेक्ट, जीरो इफेक्ट ना, बच्चा को दे रहे हैं खाली इफेक्ट इफेक्ट पड़ रहा। लेकिन वही किसी 35-35 साल के युवा को देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है किसको कितना क्वांटिटी में देना। सिंपल बात, क्लियर हुआ? चलिए ऋषि आपसे शुरू करते हैं, बताइए व्हाट इज एफिशिएंसी। सर किसी भी काम को चीपेस्ट वे में करने के लिए उसके रिसोर्स को अच्छा से यूटिलाइज करने के लिए उसको एफिशिएंसी किया जाता है। और इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव इफेक्टिवनेस सर इफेक्टिवनेस सर वही हुआ, वही क्या हुआ? मेरा रिश्तेदार है क्या? किसी भी काम को करने को इफेक्टिवनेस ही कहा जाता है। किसी भी काम करने को परफेक्ट आते हैं। बोलिए बोलिए अमित, अमित आलोक बोलिए, आलोक इफेक्टिवनेस मतलब होगा सर नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट, बस हमको प्रोडक्ट से मतलब है। हां उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, बस वो टाइम पे चाहिए वो। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए साइमा, साइमा यस सर, मैनेजमेंट का बताइए दो चार कैरेक्टर। मैनेजमेंट का वो फ्लेक्सिबल होता है और मेनली बिहेवियरल होता है। अच्छा, और वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनता है। कहाँ का कहाँ बता रही है, दो तीन पॉइंट सही है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कैरेक्टर बता रहे हैं, हम सिर्फ मैनेजमेंट का कैरेक्टर पूछ। यही तो है मैनेजमेंट का कैरेक्टर, ये कैसे है? मैनेजमेंट के कैरेक्टर में प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, है कि गोल ओरिएंटेड, रिलेटेड टू ह्यूमन इफोर्ट्स, फ्लेक्सिबल, डायनामिक, यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। चलिए अब समझ में आया। यस सर। चलिए चलिए अंकित, अंकित अंकित सर इसका माइक, सर इसका माइक खराब है, माइक खराब है। चलिए निधि, निधि यस सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बताइए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, हां पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कहां जा रही है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहे हैं तो कहां से कहां? मैंने इसका मतलब है कि प्रीवियस में सब आप लोगों के फोन में प्रीवियस वाला बटन नहीं होता क्या, पीछे देखने वाला? सर, खाली कौन? अच्छा नहीं नहीं इसको बताने दीजिए, पहले बताने दीजिए इसको, नहीं देखो जल्दी करिए समय भी खत्म हो रहा। कौन बताएंगे, आफिया सैली? सर सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव में चलिए, और किन्हीं को कुछ पूछना है? चलिए शिवम, शिवम शिवम कुमार, रंजन रंजन संध्या यस सर, बताइए तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट तीन टाइप्स के होते हैं सर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट लेवल। तो उसका क्या नाम होता है सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट लेवल? सर उनका काम होता है कि वो जो एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं उनको गाइड करना। किस लेवल में आते हैं, लोअर लेवल में और क्या क्या होता है, दो तीन चीज बताए थे लोअर लेवल में? हाँ सर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट लेवल।
उसमें एक और चीज बताए थे, बहुत इम्पोर्टेंट बताए थे। अरे नहीं बताए थे ये, इसको स्किल्ड अनस्किल्ड में इसको प्लेटफॉर्म में क्या करते हैं। हाँ तो वो सुपरवाइजर स्किल्ड जो होते हैं वो हाँ सुपरवाइजर सुपरवाइजर्स होते हैं और अनस्किल्ड जो लेवल हाँ ऐसा ही है। चलिए नज़र आप आइए खत्म कर दे। अच्छा सर आ रहे हैं, आप लोगों से कुछ देर बात करेंगे ठीक है।